हेल्दी ईटिंग और डाइटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी हम हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन डाइटिंग नहीं होती। डाइटिंग का मतलब होता है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देना कि हम क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते, कौन सा फूड हम ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। लेकिन हेल्दी ईटिंग का मतलब है कि हम 80/20 रूल को फॉलो करते हैं कि हमने 80% हेल्दी चीज़ खानी है और 20% हमने अपने मनपसंद चीज़ें खानी है। डाइटिंग नॉर्मली वेट लॉस के लिए की जाती है और हम इसको एक ख़ास मुदत तक के लिए कर सकते हैं और इसके अंदर हम लो फैट, लो कैलोरी और कुछ ख़ास गज़ाएँ शामिल करते हैं। और हेल्दी ईटिंग हम अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के लिए करते हैं और इसको हम ओवरऑल हम अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर सकते हैं। और इसमें हम ज़्यादातर अपने 4 फूड्स ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम बैलेंस डाइट के थ्रू हम अपनी हेल्दी ईटिंग करते हैं। तो अगर हम 80/20 रूल के बारे में बात करें तो इसमें हमें अमूमन 80% हेल्दी खाना होता है, जिसके अंदर हमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और हाई हेल्दी फैट को इंक्लूड करना होता है। इसमें हमें अपनी ब्रेड, चावल और नान और रोटी, ये सब हमें माइनस करने होते हैं या कम लेने होते हैं। स्टार्ट में ये रूटीन फॉलो करनी हो सकता है आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब आप ये रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी इजी हो जाती है और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाते हैं। तो अपनी लाइफ में 80/20 रूल को फॉलो करें, हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँ और अपने 20% आप अपने मनपसंद चीज़ों को भी खा सकते हैं। और इस रूल को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। अल्लाह हाफिज़।